तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल है और उस एंड्रॉयड मोबाइल में अगर आप कैमरे से कोई भी वीडियो को रिकॉर्डिंग करते हैं और रिकॉर्डिंग करने के दौरान दोस्तों आप वहां पे ब्लूटूथ माइक को यूज़ करते हैं और वो ब्लूटूथ माइक आपके डिवाइस में सपोर्ट नहीं करता है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप ब्लूटूथ माइक को अपने डिवाइस में सपोर्ट करवा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या सेटिंग करना है वो टोटल मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों ब्लूटूथ माइक को अपने डिवाइस में सपोर्ट करवाने के लिए आपको क्या सेटिंग करना है, चलिए मैं यहाँ पे स्क्रीन को ऑन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर को मैंने यहाँ पे ऑन कर लिया। अभी आप देख सकते हैं मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर को यहाँ पे ऑन कर लिया है। अब आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले जाना है अपने मोबाइल के सेटिंग में। मोबाइल के सेटिंग में जाने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा ऐप्स का। इस ऐप्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आपको मिलेगा सिस्टम ऐप सेटिंग। ये आप देख सकते हैं जो सिस्टम ऐप सेटिंग मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा ऑप्शन कैमरा सेटिंग का। इस कैमरा सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें। जैसे आप यहाँ पे कैमरा सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद नीचे आपको स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद एक ऑप्शन आपको मिलेगा ऑटो स्टार्ट का, तो आपको ऑटो स्टार्ट वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। ऑटो स्टार्ट वाले ऑप्शन पर टैप करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐप्स परमिशन का, तो इस ऐप्स परमिशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। और क्लिक करने के बाद सबसे पहले दोस्तों आप यहां पर देखिएगा कैमरा वाला ऑप्शन मिलेगा, आपको कैमरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आपको अलाउ ओनली वाइल यूजिंग दिस ऐप्स, इस पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये आपको यहाँ पर कर लेना है। और उसके बाद एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा माइक्रोफोन का, माइक्रोफोन पर आप क्लिक करें। और क्लिक करने के बाद इसको भी आपको अलाउ ओनली वाइल यूजिंग दिस ऐप्स, ये आपको कर देना है। साथ में दोस्तों आपको फाइल एंड मीडिया वाला ऑप्शन मिलेगा, इसको भी आपको अलाउ कर देना है। ये तीन चीज़ आपको यहाँ पे अलाउ कर देना है। और अलाउ करने के बाद आपको यहाँ से बैक हो जाना है। तो चलिए मैं यहाँ से बैक हो जाता हूँ। अब दोस्तों जब आप यहाँ से बैक हो जाते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर सेटिंग में ही रहना है। और सेटिंग में रहने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा गूगल का, तो इस गूगल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे गूगल वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे जो गूगल अकाउंट है लॉगिन नहीं किया हुआ है। तो अगर आपका गूगल अकाउंट लॉगिन नहीं किया हुआ है तब भी ये प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होगा, आपको गूगल यहाँ पे जीमेल अकाउंट लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद सबसे लास्ट में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेटिंग फॉर गूगल ऐप्स, तो ये जो सेटिंग फॉर गूगल ऐप्स वाला ऑप्शन मिल रहा है इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सर्च असिस्टेंट एंड वॉइस, तो यहाँ पे आप सर्च का सेटिंग कर सकते हैं, असिस्टेंट का सेटिंग कर सकते हैं और वॉइस का सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस पर यहाँ पे टैप कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे टैप करता हूँ आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, उसी में एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा वॉइस का। आप देखिए गूगल असिस्टेंट के नीचे में आपको वॉइस वाला जो ऑप्शन मिल रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने बाद लैंग्वेज का ऑप्शन मिलेगा, स्पोकन रिजल्ट का ऑप्शन मिलेगा, ऑफलाइन स्पीच का ऑप्शन मिलेगा। ये ऊपर वाला जो ऑप्शन मिलता है वो आपको असिस्टेंट वाला ऑप्शन मिल जाएगा। और नीचे में आप देखिए हैंड फ्री के नीचे में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ब्लूटूथ ऑडियो रिकॉर्डिंग, तो ये कैमरे के लिए दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लूटूथ ऑडियो रिकॉर्डिंग में इनेबल ऑडियो रिकॉर्डिंग थ्रू ब्लूटूथ डिवाइस इफ़ अवेलेबल, तो आपको सिंपली क्या करना है इसको यहाँ से ऑन कर देना है। ये आप यहाँ से ऑन कर दीजिएगा और उसके बाद जब आप ब्लूटूथ माइक यूज़ कीजिएगा अपने कैमरे में तो आपका ब्लूटूथ माइक यहाँ पे सपोर्ट करेगा। और उसके नीचे में देखिए अलाउ ब्लूटूथ रिक्वेस्ट विथ डिवाइस लॉक है, ये एक ऑप्शन मिलेगा। और साथ में एक ऑप्शन आपको मिलेगा अलाउ वायर हैंडसेट रिक्वेस्ट विद डिवाइस लॉक, तो ये दोनों ऑप्शन अगर आप यहाँ पे ऑफ भी करके रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ब्लूटूथ ऑडियो रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन को यहाँ पे इनेबल करके रखना है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।